ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने आज संसद में बंगाल में सेना की तैनाती का मुद्दा उठाया। लोकसभा में टीएमसी सांसद सुदीप बनर्जी ने कहा कि गुरुवार को सेना ने टोल पर कब्जा कर लिया, यह संघीय ढांचे पर हमला है। इस मामले को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में इस मुद्दे पर क्या बयान दिया, आइए जानते हैं। आज एक राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार भारतीय सेना के बारे में कहा है उसे मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। ईस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज बंगाल, आसाम, अरुणाचल और अन्य सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में अभी जारी है। उसके पहले यूपी, झारखंड, बिहार में भी हुआ है। इस बारे में इस बारे में सेना ने इस बरस भी अलग अलग राज्य में कंसर्न्स ऑफिशियल को इसकी इस राज्य में वेस्ट बंगाल में कंसर्न ऑफिशियल्स को इसकी जानकारी दी थी। ओरिजिनल इसका जो तारीख थी तय की थी वो 28, 29 और 30 थी, जिसको पुलिस के एडवाइस के मुताबिक 1 और 2 दिसंबर को बदला गया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि 28 तारीख को वहाँ बंद है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो इसलिए 1 और 2 तारीख को कर दिया गया। ट्रैफिक कंजेशन के डर के कारण ये सब कार्यक्रम में जॉइंट इंस्पेक्शन पुलिस के साथ भी की गई है। पुलिस के साथ कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, इसका जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कॉन्ट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट।